कि वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था। अकेला था लगा लश्कर लेके आया था। पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, तो कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। देखो भाई कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ रहा है लोगों को। भाई कोई भी थमने वाले नहीं है यार, सबके सब भाई फुल फॉर्म में। भाई साहब मुनव्वर तो मुनव्वर, सारे लोग जो है ना आयशा आयशा के नारे लगा रहे हैं। भाई आवाज आ रही होगी आपको, सब आयशा आयशा कर रहे हैं। आयशा अभी अभिषेक के साथ है ना, इसलिए ज्यादातर आयशा आयशा सबको कर रहे हैं। आयशा बोल रहे, पैसा बोल रहे नहीं, आयशा आयशा बोल रहे हैं। अभी अभिषेक के साथ उसका रोमांटिक वीडियो आया ना, मैं सुन रहा पैसा पैसा। भाई भीड़ देख सकते हो, कितना ज्यादा भीड़ है यार, लोगों का हुजूम है पूरा। और भीड़ बिल्कुल भी कम लेने का तो नाम नहीं ले रही है, लेकिन भाई साहब इतना धूल उड़ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा पूरा एरिया में भाई दबा के धूल उड़ रहा है पूरा। देखो दे देखो भाई साहब भीड़ देखो, पूरा का पूरा स्टेडियम भर चुका है, पूरा स्टेडियम स्टार्टिंग से लेके एंड तक और ऊपर तक सारे लोग बैठे हुए। कितना ज्यादा भीड़ है भाई, इतना का यार उम्मीद नहीं किया था मैं, मुझे लगा था यार नॉर्मली होगा, मत यार इतना होगा यार कोई नहीं कह सकता था। शांत हो जाओ, शांत आ रहा है। अभी देखो वहां पर है, वहां पर है, सब लोग नीचे चलो, सब लोग नीचे चलो, सब लोग चलो की जाओ। ओ भाई साहब क्या हंस रहा है भाई, चलो एवरीबॉडी प्लीज क्लियर द स्टेज, स्टेज क्लियर करो। Now we are being right, your star. Oh! 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 Dusra mic, second mic, second mic, second mic. चलो आउट आउट आउट, चलो नीचे हो जाओ, चलो एक मिनट। हमने आज मुनव्वर को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप ये भारत का यूथ आइकॉन बन गया है, यस, और वो भी सेक्युलर धर्म निरपेक्ष यूथ आइकॉन, जो भारत के गंगा जमुना तहजीब को पहचानता है, उसकी भारत उसको भारत की विविधता मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चा यहाँ पर पहुंचा है, उसने पूरी गरीबी को पहचाना है, जाना है। वो आदमी जब तक में सो रहा है, बर्तन बेचने का काम किया है, तब से जाके वो यहाँ तक पहुँचा है। दुनिया के अपनी पहचान बता जन्म लेते वाले हैं। सुनिए ध्यान से, अब ड्रग्स के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, उसका लीडर रहेगा मुनव्वर चौधरी। Oh, man!
शांति, एक भी शांति, एक भी सब शांत हो गए। अच्छा एक काम करो सुनो, लेकिन उसके लिए आपको शांति रखनी पड़ेगी थोड़ी देर, चाहते हो तो एक बार भाई प्लीज आप अपनी अपनी जगह पे खड़े रहोगे, मैं यहाँ पे खड़े रहूँ, वरना ये लोग मुझे निकाल के लेके जाएंगे। पहली बार टेंशन मत लो। प्लीज आप लोग शांत होंगे, मैं बात करना शुरू कर पाऊंगा और अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, किसी को इंजरी ना हो, कोई गिरे ना। भाई तुम लोग चुप रहो, आप देखो, आप बोलोगे मैं तो जाना पड़ेगा। शांति से सुन लो मेरे को, एक बार जोरदार आवाज कर दी है, ठीक है? चलो तो शुरू करता हूँ कि वो था तूफान जो दस्तक दे गया है। अकेला था लगा लश्कर लेके आया था, पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, तो कहने लगा डोंगरी वाला आग लेके आया। अभी करो आवाज, कितनी कर सकते हो सुनो। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, ऑडियंस में यहाँ पे इस वक्त तो पहले मैं अपने भाई से मिला था तुम्हारे को दोस्तों आवाज करो जोरदार प्रिंस अरुणा के लिए। और प्रिंस भाई दो तीन बातें कह रही है अभी आपसे, प्रिंस भाई प्लीज। ये है आपका भारत की अच्छी पहचान, ये है मुनव्वर फारूकी। कैसे भाइयों, क्या मेरे को लगता है कि इसको अपना एक शो बनाना चाहिए, जो जनता तो इतनी सारी बैठी है, बस उनकी जरूरत है। मैं आज पहली बार आया यहाँ पर और मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, तुम लोगों ने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी है यार, बड़ो प्यार है यार का, और मुनव्वर के लिए हमेशा हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये वही है जैसे बहुत छोटे छोटे कामों से उठा है और आज इसने धुआं उठा रखा है, जैसे इस टाइम स्टेडियम में। ओ मुनव्वर भाई, ये बार आप नजर मार के देखो यार, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां यार, दूर जहां तक नजर आती है वहां पर भी चलिए, क्या बात है यार, क्या बात है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो मुनव्वर से प्राउड फील करते हैं और आपके जैसे कितने लोग हैं जो इसे अपना आइडल मानते हैं, मुनव्वर सपोर्ट करते रहे, आप जनता बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन कलवा और मुमरा की जो पब्लिक है यहाँ पे आने का जो मैं बिल्कुल मिलना चाहता था, यहाँ पे मुमरा की पब्लिक का बहुत सारा इंतजार था, मैं मिलना चाहता था, लेकिन साथ साथ जब इतनी भीड़ इतने लोग हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज क्या है, नफरत में बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान चीज अगर
मुश्किल काम करेंगे कि नहीं करेंगे? माहौल चाहे जैसा भी है, माहौल चाहे आप देख लो पूरे हर जगह पे, मुझे जहाँ पे मैं देखता हूँ ना, मुझे भाईचारे दिखते हैं, मुझे लोगों के बीच में प्यार दिखता है। और हमें जमीन पे हो या इंटरनेट हो, कहीं पे भी हो, हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नफरत ना फैलाएं कहीं भी, हम प्यार की बात करें, प्यार फैलाएं। और आज जब इतना यंग जनरेशन यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशों से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो। जितने भी हमारे अपने माएं बहनें जितनी भी हैं, आप उनके तरफ देखिएगा, उनका चेहरा देखिएगा। और यहाँ पे जितने भी यंग लड़के हैं ना, छोड़ दिया तुमने, प्रॉमिस करो छोड़ोगे? अरे छोड़ दिया, छोड़ दिया। बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत जरूरी। मैं कभी पकड़ा ही नहीं। बहुत जरूरी चीज है, इसलिए है क्योंकि देखो, दो भाई थे, दो भाई, उनका ना सीढ़ी बनाने का काम था, लेकिन अकेला भाई कभी सीढ़ी नहीं बना पाता। तो हमें ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए दो भाइयों की जरूरत पड़ेगी। प्यार और वो दो भाई बन के रहना बहुत जरूरी है। नशे से दूर रहेंगे सब, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं है। और मैं चाहता हूँ आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब कसमें खाओ। अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की कसम खाओ, मुनव्वर की कसम खाएंगे। अगर तुम्हारा भाई जैसा दोस्त अगर सदाकत है, तो सदाकत जैसे तुम्हारे दोस्त की कसम खाओ। ये कसम खा के आज अगर करते हो तो नहीं करोगे, और अगर करने का कभी मन भी करे ना, अपने माँ बाप के और बहन के बारे में सोचना। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज आवाज करेंगे, झोपा में आती है, लेकिन
अगर आपकी लाइफ में आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आए है उसको सीधा टनल तक छोड़ किताब वो घर के चूल्हे में जलाई है। पैसे तो कोई भी कमा लेगा, मैंने लाखों चेहरों की हंसी कमाई है। सुनो सुनो बोलो, अरे सुनो मेरे को बहुत बातें करनी है तुमसे, तुम एक चीज बता रहा हूँ तुम्हारे को, मैं जब बोलता हूँ आप लोग बोल के इन सब चीजों से दूर रहो, मैं बोलना चाहूंगा। म्यूजिक पसंद है घुस जाओ पूरा अंदर, आपको अगर डॉक्टर बनना है पूरी मेहनत लगा लो, मैंने ट्राई किया है भाई, जो करना है ना अगर वो ठान के बैठ जाना तो वो सपना पूरा होता है। सही बात है 100%। तुम यहाँ जितने भी लोग हो ना मेहनत करके इधर खड़े हो सकते हो और उतनी मेहनत करना। और एक शायरी तुम्हारे लिए, और यहाँ पे जितनी मेरी माए बहने आई हुई है, जाते वक्त सारे लड़के ख्याल रखे कि इन लोगों से दूर दूर रहकर इन लोगों को हिफाजत से निकाले, ठीक है। जितने भी लड़के यहाँ पे जो भी माए बहने आई है वो लोग सेफली यहाँ से निकले, अच्छे से निकले, उसका मेक श्योर रुके। माथे पे देख नसीब है बुलंद कितने, नहीं वाली है ठीक है, कि माथे पे देख मेरे नसीब है बुलंद कितने, पैरों में देख मैंने तोड़े हैं घमंड कितने, ये तेरे वाले भी कोई दूध के धुले नहीं, मैं लूंगा नाम तो लगेंगे ये शर्म से छुपने। भाई शुक्रिया, जाने से पहले सबको बहुत सारा प्यार, अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर रखता हूँ इसके लिए।
सो फाइनली देख सकते हो अभी जो है ना सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरा आवाज़ भी बैठ गया इसको थोड़ा सा डोंट माइंड। हाँ अभी जो है ना फिलहाल के लिए वो कुछ फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं स्पेशल पर्सन के साथ जिन्होंने उनका चित्र बनाया है और सारा कुछ काम किया है। हम लोग तो घंटा कुछ किए ही नहीं, क्या जा पाएंगे वहाँ यार, कुछ जा ही नहीं सकते। बाकी कोशिश बहुत था, बता आता ही नहीं है साला, कह रहे क्या आता ही नहीं है कुछ, सच में बता रहे प्योर जा ही ले भाई। अभी फिलहाल देख लो भाई ये थोड़ा सा बस मजमा बचा है, सारे लोग अभी जा चुके हैं लगभग, और भी सारे लोग अभी निकलने वाले हैं। जैसे ही मुनव्वर फारूकी यहाँ से उतरेंगे, जैसे ही मुनव्वर फारूकी उतरेंगे ना भाई, तो सारा का सारा पब्लिक जो ना अभी यहाँ से खाली हो जाने वाला है। अभी यार भाई साहब चिल्ला चिल्ला के पूरा गला बैठ चुका है भाई साहब, चिल्ला आपने मजा आया बट सेल्फी नहीं लिया यार, सेल्फी लेने को मांगता था बट यार क्या कर सकते। आगे देख सकते हो भाई पसीना से पूरा गीला हो चुका है मेहनत करके, गजब का मेहनत हुआ, बहुत मेहनत भाई देखने के लिए। अरे वो तो सब पे बिगड़ रहे भाई, हमें सबको भगाओ एक तरफ से। ओ भाई साहब तो सबको छोड़ देता हूँ ना। अरे यार सदाकत को ही बोल रहा है, अरे सदाकत को ही बोल रहा है क्या? अरे करो जो हम लोग क्या चीते बैठे क्या इधर। अरे ओ मैं समझ रहा हूँ मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे से। आप लोग अगर कंट्रोल के बाहर जाते हो तो लोग फिर मेरे को निकाल के लेके जाएंगे ना। ओ मुनव्वर भाई भाई रिक्वेस्ट में जा डाउन भाई रुक रुक अच्छे से ठीक से बाहर निकल पाया था तो ये लोग लगता है अच्छे से एक बार बाहर हो जाओ, आपसे इजाजत लेके जाना चाहता हूँ। अरे कोई भी इजाजत नहीं देने वाले, कोई इजाजत नहीं देगा, मेरे लिए इजाजत मांग रहे कोई इजाजत देगा ही नहीं भाई। तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अभी, आप लोगों का सबका शुक्रिया, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सर एक फोटो सर
सो दोस्तों फाइनली मुनव्वर का जो मीटअप है ना वो कंप्लीट हो चुका है और भाई साहब बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि यार करीब से दिखाऊं और वो चीज़ आज मुमकिन हो सका क्योंकि मैं स्टेज के सबसे आगे था, यानी जो VIP सेक्शन है ना मैं वहाँ पर था और बस कैसे कैसे पहुँच गया सारा चीज़ मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, बस बहुत अच्छा लगा। लेकिन पता है एक चीज़ बुरा लगा यार, बहुत मूड ख़राब हुआ यार, मतलब जब लास्ट में कार तक छोड़ने के लिए आए थे ना वहाँ तक पुलिस वाला साला शांत रहता, ये हर जगह का ये सीन है, यानी कोई भी सेलिब्रिटी से आप मिलने जाओ, शाहरुख खान हो गया, मतलब जितने भी सारे सेलिब्रिटी है किसी के मीटअप में जाओ या फिर किधर भी, मतलब समझ सकते हो आप। सो वहाँ ना क्या होता है कि जब तक वो पर्सन रहता है वहाँ पर तब तक सारा चीज़ शांत रहता है। आज जैसे ही गाड़ी में बैठा निकला इधर पड़ापड़ चालू हो जाता है, यानी डंडा वो पाइप रहता है वो सारा चीज़ भाई साहब देखते नहीं है कहाँ लग रहा है, इतना ज़बरदस्त तरीके से मारते हैं कि मैं क्या बताऊँ। सो यार अनफॉर्चुनेटली जो ना मुझे लग गया है मेरे घुटनों में, मेरा घुटना में एक जो पड़ा ना भाई, जैसे ही पड़ा सही बता रहा हूँ पूरा जो वो वाइट वाला रहता है ना वो वाइट वाला जो है ना पूरा का पूरा टूट गया, मतलब ऐसा फट गया पूरा। सो भाई साहब यार बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, मतलब इतना नहीं हो रहा है बट यार सच में यार बहुत यार इससे बिल्कुल घुटना में लगा है, सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे भाई साहब। मैं जैसे ही निकल रहा था अचानक से जो पड़ा ना भाई बहुत ज़ोर का पड़ा। सो यार चलो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेन गेट का आपको भीड़ दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कि कितना ज़्यादा भीड़ है, उसके बाद मैं आपसे अलविदा करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी एक नए ऐसे वीडियो में।